हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास। यस्टरडे वी स्टार्टेड रीडिंग चैप्टर नंबर 10 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। वी रीड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज सिविलाइजेशन, व्हाट इज मेल्टिंग, फोर मेजर एंशिएंट सिविलाइजेशंस, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस। वी आल्सो रीड अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर, द सिटी प्लानिंग ऑफ हड़प्पन कल्चर एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ हड़प्पन कल्चर। Today, let's continue with our next topic, religion. Religion of the people of Indus Valley civilization. Religion. The seals have been the main source of information about the religious beliefs of the people. Seals main source हैं information का peoples के religious belief के बारे में information देने के लिए, तो लोगों के धार्मिक विश्वासों के बारे में पता हमें seals को देखने पर चलता है। The people worshipped nature in the form of animals, birds and trees. People nature की, प्रकृति की पूजा करते थे animals, birds और trees की form में। The animal figures depicted on the seals are humped bull, unicorn, ox and rhinoceros. Seals के ऊपर किन किन animals की pictures बनी हुई थी? Humped bull, hump वाले bull की picture बनी हुई थी, unicorn, ox और rhinoceros की pictures बनी होती थी। The people worshipped the people tree, लोग पीपल ट्री की पूजा करते थे। दे आल्सो वर्शिप्ड ह्यूमन डाइटीज दैट इंक्लूडेड शिवा और पशुपति एंड मदर गोडेस। इसके अलावा लोग भगवान की पूजा करते थे, ह्यूमंस के जो डाइटीज देवताओं की पूजा करते थे जिनमें शिवजी, पशुपति और देवी माता शामिल हैं। The people of Indus Valley civilization believed in life after death. Indus Valley civilization के लोगों का विश्वास था कि death के बाद दोबारा से life मिलती है। They buried the dead with the earthen pots, food, ornaments and other articles used during life. वो मरे हुए लोगों को उनके ज़रूरी सामान के साथ जलाते थे। वो उनके साथ पोट्स, फूड, अर्नामेंट्स और जो डेली यूज की थिंग्स होती थी वो भी जलाते थे। मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के पश्चात दोबारा से जन्म होता है, इसलिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जीवन के लिए उन सभी चीज़ों को वो मरे हुए पर्सन के साथ जलाते थे ताकि उन्हें अगले जन्म में फिर से वो वस्तुएँ प्राप्त हो सकें। Script. The script of Indus Valley civilization was known as pictography, as it consisted of pictures and signs. Indus Valley civilization की scripts को pictography कहा जाता है। Scripts होता है writings, क्योंकि इन writings में, इन scripts में बहुत सारी pictures लगी होती थी, pictures बनी होती थी और sign बने हुए थे जो approximate 375 टू 400 साइंस से मिलकर बनी होती थी। बट दिस स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड, इन स्क्रिप्ट्स को पढ़ा नहीं जा सकता, कैन नॉट बी रीड। डू यू नो बेटा, यू कैन सी इन पिक्चर इन दिस वैली स्क्रिप्ट्स, आपको ये डिजाइंस या साइंस या पिक्चर्स लगेंगी, परंतु आप इन पिक्स को, इन स्क्रिप्ट्स को पढ़ नहीं सकते। डू यू नो वेटिंग, वेइंग एंड मेजरिंग सिस्टम, वेट करने का और मेजर का जो सिस्टम होता था वो कैसा होता था?
द वेट यूजली मेड ऑफ स्टोन वाज नोन एज चर्ट, जो वेट हैं वो स्टोन का बनाते थे जिसे चर्ट कहा जाता है। दे वर क्यूबिकल इन शेप, उसकी जो शेप है वो क्यूबिकल होती है। विद नो मार्क्स ऑन इट, उनके ऊपर मार्क्स नहीं बने होते थे। मेटल स्केल पेन वाज यूज्ड टू मेज़र द थिंग्स और ऑब्जेक्ट, मेटल के स्केल का यूज़ किया जाता था थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स को मेज़र करने के लिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे वेट और मेज़रिंग करने का जो सिस्टम था, तो जो तराजू होता था वो मेटल का बना होता था, उसे मेटल स्केल पेन कहा जाता है। और मेज़र करने के लिए जो मेज़र्स का यूज किया जाता था, जिसे हम बाट कहते हैं या बट्टे कहते हैं, वो स्टोन के बने होते थे। लाइफ ऑफ पीपल, पीपल्स की लाइफ कैसी थी। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल वाज बेटर इन ब्रोंज एज एज़ कम्पेयर टू द न्यूलिथिक पीरियड। तो ब्रोंज एज में पीपल्स की लाइफ की क्वालिटी न्यूलिथिक पीरियड के पीपल्स के कंपैरिजन में अच्छी थी। दे हैड मोर कंफर्ट्स एंड लेज़र, वो आरामदायक और लेज़र्स की लाइफ इंजॉय करते थे। मतलब उनकी लाइफ में कंफर्ट्स और लेज़र्स, आराम और ऐश्वर्य ज़्यादा था। दे एम्यूज्ड देमसेल्फ बाय सिंगिंग एंड डांसिंग, वो खुद को एंटरटेन करते थे सिंगिंग और डांसिंग से। दे ऑल्सो प्लेड अ गेम विच वॉज सिमिलर टू चेस, वो एक गेम भी खेलते थे जो चेस से मिलती जुलती थी। दे मेड ब्यूटीफुल टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन, उन्होंने चिल्ड्रंस के लिए बहुत सुंदर टॉयज़ बनाए। ये टॉयज़ थे जिनसे चिल्ड्रंस प्ले करते थे। तो ब्रोंज एज में न्यूलिथिक पीरियड के कंपैरिजन में पीपल्स की लाइफ अधिक कंफर्टेबल और अधिक ऐशो आराम की थी। वो अपने लाइफ को एंजॉय करते थे डांसिंग और सिंगिंग से, गेम्स भी खेलते थे जो चेस से मिलती जुलती थी, बच्चों के खेलने के लिए भी वो टॉयज़ बनाते थे। द मैन ड्रेस्ड देमसेल्फ इन ए लॉन्ग क्लॉथ टाइड लाइक ए धोती, एंड वुमेन वोर ए लॉन्ग लहंगा विद ए शॉल, जो मैन की ड्रेस होती थी वो एक बंधा हुआ कपड़ा होता था जैसे धोती बांधी जाती है, और जो वुमेन है वो लॉन्ग लहंगा पहनती थी और ऊपर से शॉल ओढ़ती थी। देयर क्लोथ्स वर मोस्टली मेड ऑफ कॉटन, उनके जो क्लोथ्स हैं वो कॉटन के बने होते थे। दे वर फॉन्ड ऑफ अर्नामेंट्स लाइक नेकलेस रिंग्स बैंगल्स विच वर मेड ऑफ शेल्स बोन्स ऑफ एनिमल्स आइवरी एट्सेट्रा। इसके अलावा वुमेन को अर्नामेंट्स गहने पहनने का भी शौक होता था, वो नेकलेस रिंग्स और बैंगल्स पहनते थे जो शेल से, स्टोन से, एनिमल्स की बोन्स से, या आइवरी होता है टीथ ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट टीथ से बने होते थे। दे आल्सो यूज्ड कॉस्मेटिक लाइक फेस पाउडर एंड काजल, इसके अलावा वो कॉस्मेटिक्स का यूज भी करते थे जैसे पाउडर और काजल। एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, नो वन नोज हाउ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन केम टू एन एंड आफ्टर कंटिन्यूइंग फॉर ओवर 1000 ईयर्स, कोई भी नहीं जानता कि हजारों साल तक चलने के बाद ये सिविलाइजेशन किस तरह से एंड हुई। द एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो प्रूव्स दैट द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड एंड रीबिल्ट 9 times एट द सेम साइट। मोहनजोदड़ो की खुदाई करने के बाद पता चला है कि सिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया और 9 times 9 बार दोबारा से बनाया गया सेम साइट पे, सेम प्लेस पे। इट इज़ बिलीव्ड दैट द काज ऑफ द डिक्लाइन मे हैव बीन ए नेचुरल डिज़ास्टर लाइक अर्थक्वेक, ए फ्लड और ए चेंज इन द कोर्स ऑफ द इंडस रिवर। उनका मानना है सिटीज़ की डिक्लाइन का कारण, सिटीज़ के पतन का कारण नेचुरल डिज़ास्टर हो सकते हैं जैसे अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, या फिर इंडस रिवर की कोर्स में, गति में चेंज होना। स्ट्रोंग हाई वॉल अराउंड द सिटाडल ऑफ
द हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिकेट दैट फ्रिक्वेंट इन्वेशंस बाय द आर्यंस माइट हैव ब्रॉट द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. जो सीताडल हड़प्पन सिविलाइजेशन सेंट्रल पार्ट होता था, एरिया होता था, उसके चारों तरफ जो ग्रेट वॉल बनाई गई थी उसे देखकर लगता है कि शायद आर्यंस ने हड़प्पन कल्चर की जो सिविलाइजेशन है, एरियाज़ हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पे अटैक किया हो और इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड किया हो. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड होने का कारण नेचुरल डिज़ास्टर, अर्थक्वेक, फ्लड और इंडस रिवर हो सकती है. इसके अलावा उस वाल को देखकर लगता है कि शायद उन्हें आर्यंस के अटैक का ख़तरा था, इसलिए उन्होंने वाल बनाई थी और उन्हीं आर्यंस के अटैक के कारण ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हुआ. कीवर्ड्स: सिविलाइजेशन, स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. सिविलाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेज है. ड्रेनेज सिस्टम एंड इंटरवेंशन टू कंट्रोल वाटर लॉसिंग. बहते हुए पानी के बहाव को कंट्रोल करना ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है. ग्रेनरी, ग्रेनरी होता है स्टोर रूम और हाउस ऑफ ग्रेन्स, उसे स्टोर रूम भी कहा जाता है और ग्रेन्स का हाउस भी कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में गोदाम कहते हैं. थैंक यू. दिस वाज योर चैप्टर 10 ऑफ हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन. Read this chapter from your book, and for any query you can contact me. Thank you. Have a nice day.